तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की क्लास में हम राजस्थान का जो मैंने मैप बनाया है, इसमें जो जिले दर्शाए जाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा और ट्रिक से याद कराऊंगा कि कौन सा जिला किस जिले के नज़दीक है। तो पूरा राजस्थान का मैप कैसे भरा जाता है, कैसे याद किया जाता है, कैसे ट्रिक से याद किया करवाया जाता है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो क्लास को शुरू करेंगे आज, और शर्ट भी नया नया है ना, सोनो लाग रहे। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान का मैप, जिले कैसे भरे जाते हैं, इसको मैं आपको याद करवाऊंगा। शुरुआत करते हैं श्री गंगानगर से। सबसे ऊपर कौन? श्री गंगानगर। तो श्रीमान जी है श्री गंगानगर, ठीक है। अब श्री गंगानगर श्रीमान जी किसके लगाओगे? तो भाई साहब हम तो श्रीमान जी हनुमान जी के लगाएंगे, तो इसको कर दो हनुमानगढ़। श्री गंगानगर हनुमानगढ़। हनुमान जी के भोग किसका लगता है? चूरमे का लगता है, तो चूरमे से याद कर लो चूरू। कोई दिक्कत नहीं है चूरमे से। अब आ जाओ बीकानेर। चूरमे के बिना जस्ट से याद करो जैसलमेर। कराएंगे ट्रिक से याद कराएंगे, टेंशन नहीं है ना। जस्ट बाड़े में, तो बाड़मेर। क्या लाने गए? जाल, तो जालौर। तो श्रीमान जी हनुमान जी चूरमे के बिना जस्ट बाड़े में गए। क्या लाने गए? जाल लाने गए। जस्ट से जैसलमेर, बाड़े से बाड़मेर, जाल से जालौर। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है कि एक इधर से देख लो। तो अब इसके बाद में मैं शुरुआत करूंगा, इसके बाद में जो जिले कैसे दर्शाए जाते हैं वो ट्रिक देखो। अब ऐसे लिखा नहीं जाता तो ऐसे ही होना पड़ेगा ना। तो आ जाओ इधर, यहां भरेंगे सिरोही। सिरोही को कैसे याद करोगे? इसको आप समझो थोड़ी देर के लिए सूरज। क्या समझो? सूरज समझो ना। तो सिरोही, सूरज उदय हुआ तो उदयपुर। सूरज उदय हुआ उदयपुर। कहां हुआ? सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? पहाड़ पर, जो अपनी भाषा में बोले डूंगर है ना, डूंगरपुर। तो ठीक है, डूंगरपुर। सूर्य उदय हुआ कहाँ? उदय हुआ डूंगरपुर में हुआ। और डूंगरपुर में यानी कि जो डूंगर होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहाँ किसकी खेती होती है? बांस की खेती होती है। तो बांसवाड़ा, बांस की खेती होती है। तो बांसों के बीच में से क्या निकलता है? सूर्य का प्रताप निकल रहा है, सूर्य उदय हो रहा है ना, तो सूर्य का प्रताप निकल रहा है। तो प्रताप से कर लो प्रतापगढ़। कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य उदय हुआ डूंगर में, उदय हुआ, बांस की खेती होती है, और प्रताप निकल रहा है प्रतापगढ़। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ एक बार इधर, जो मैप में आपको सबको पता रहता है, ये बिंदु भी बनी रहती है जो यहाँ पर जयपुर है, ठीक है। तो ये तो सबको पता ही होगा, जयपुर के नीचे क्या बनी हुई है? टंकी बनी हुई है पानी की। क्या बनी हुई है? टंकी। तो टंकी से याद कर लो टोंक। और पानी की टंकी है तो पानी तो रहेगा, तो क्या टपकेगी वहां से? बूंद टपकेगी, पानी की बूंद टपकेगी, तो बूंदी। अब बूंद टपक रही है तो अपन ने क्या किया? टंकी को काटा। काटा तो कोटा। काटा तो टंकी खराब हो गई, तो इसको अपन ने क्या किया? बाहर फेंक दिया। बाहर का भाई छोरा बाहर फेंक क्या, जो अपनी भाषा में बोलते हैं कि बाहर फेंक क्या। तो टंकी कट गई तो बाहर फेंका, तो बारह। और जब बाहर फेंकेंगे तो छोरे को बुलाओगे तो झाला दोगे ना, अपनी भाषा में भाई आवाज देते हैं तो बुलाते हैं, झाला देगा भाई छोरा इधर आ, इधर आने के छोरा अठया है ना। तो कोटा बारह, तो झाला दिया, तो झालावाड़ा। झालावाड़ा नहीं, झालावाड़। तो जयपुर, जयपुर के नीचे टंकी बनी हुई, तो टोंक। क्या टपक रही है? पानी की बूंद टपक रही है, तो बूंदी। टंकी को काटा, तो काटा तो कोटा। तो बाहर फेंक दिया, खराब हो गई टंकी, तो बारह। और फिर क्या दिया? झाला दिया, बाहर फेंकने के लिए झाला दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ यहां पर, क्या है यहां पर? है सवाई माधोपुर। क्या है? सवाई माधोपुर। इसको कैसे याद करोगे? इसको सवाई माधोपुर को आप थोड़ी देर के लिए समझ लो सवाई मान सिंह। सवाई माधोपुर, सवाई मान सिंह। मान सिंह को क्या खिलाए अपन ने? करेले खिलाए।
क्या खिलाए, करेले, तो करेले से याद हो जाएगा करोली, कोई दिक्कत नहीं। करेले खिलाए तो कैसे खिलाए, धो धोकर खिलाए, तो धौलपुर, कोई दिक्कत नहीं है। करेले कैसे खिला दिए, धो धोकर खिला दिए, धौलपुर खेल, तो स्वाभिमान सिंह को करेले खिलाए और वो भी कैसे खिलाए, धो धोकर खिलाए, तो यहाँ पर आ जाएगा धौलपुर। अब क्या है, करेले खिलाए तो मुंह खराब हो गया, ठीक है, तो अब भाई साहब को क्या खिलाने पड़ेंगे, डोसा, क्या खिलाएंगे, डोसा खिलाएंगे, तो डोसा से याद करो, डोसा, ठीक है, डोसा खिलाए, कैसे खिलाए, एक दो से पार नहीं पड़ेगी, तो भाई साहब एक दो से तो नहीं पार पड़ेगी, तो हमें तो बहुत सारे चाहिए, ले भाई तू बहुत सारे खा, तो क्या भर दिया मैंने, भरतपुर, डोसा कितने खिलाए, भरपूर खिलाए, ठीक है, तो भरपूर से भरतपुर, कहाँ पर खिलाए, अलवर में खिला दिए, अलवर में खिलाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो आपको सबको पता रहेगा कि झुंझुनू और सिक्कर तो यहाँ पर रहेंगे, ऊपर झुंझुनू नीचे सिक्कर, ठीक है, सबसे बीचों बीच में कौन रहते हैं, नाग महाराज जी रहते हैं, नागौर, क्या आएगा, नागौर आएगा, क्योंकि नाग महाराज जी को बीच में रखेंगे, नहीं तो एक बार डस लिया ना तो खत्म है फिर, है ना, तो नागौर, नाग महाराज जी बीच बीच में रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, नाग महाराज जी को आपने भर दिया, तो नाग महाराज जी के नीचे क्या है, जहाँ पर नाग रहेंगे तो वहाँ अजगर भी रहेंगे, तो अजमेर, ठीक है, अजगर कहाँ रहते, जंगल में रहते, तो जंगल में भाई साहब एक जनजाति और रहती है, भील जनजाति, कौन सी जनजाति, भील जनजाति रहती है, तो भीलवाड़ा, क्या हो गया, भीलवाड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब भीलवाड़ा तो जंगल में एक जाति और रहती है, चीते रहते हैं भाई साहब जंगल में, तो चित्तौड़गढ़, कैसे याद करोगे, देखो अजगर जंगल में, भील जनजाति जंगल में, और चीते भी जंगल में, चित्तौड़गढ़ चीते जंगल में, भील जनजाति जंगल में, अजगर भी जंगल में, तो अजमेर, भीले और चित्तौड़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उदयपुर, जो उदय हुआ यानी कि जो उठेगा सुबह, तो वो क्या करेगा, राज करेगा, राज संबंध, क्या आएगा, राज संबंध, कोई दिक्कत, जो उदय होगा वो राज करेगा, राज संबंध, राज संबंध के पास क्या है, पाली, और एक बच गया जो जोधपुर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भर दिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसे भी जो भी जितने भी जिले थे वो मैंने आपको अच्छे से बताए हैं। तो इस छोटी सी क्लास को पढ़ो, एक दो बार इस जो क्लास है इसको शुरू से लेकर एंड तक देखो, आपको जितने भी जिले हैं वो ट्रिक से मैंने आपको याद करवाए हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है याद हो भी गए होंगे, अगर ना भी हुए हैं तो एक बार और देख लेना वीडियो को, क्या दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजस्थान के जिले मैंने आपको सिखाए हैं, ट्रिक्स याद करवाने की पूरी कोशिश की है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बातें करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहे, पढ़ाते रहिए, धन्यवाद, और लाइट भी गई।